जय श्री राम। आप सभी को नमस्कार और आज सिर्फ थोड़ी देर आपसे बात करने की इच्छा हुई तो लाइव आ रहा हूँ। जैसा कि अब आप सभी जान गए होंगे कि मेरे शहर भिवानी में 1 अक्टूबर को कीर्तन में सरदय श्री श्री संजय मित्तल जी भजन गायक आए थे और गुस्से में काफ़ी कुछ कह गए थे। ठीक है, मैं सिर्फ 2-4 मिनट उस विषय पर बात करूंगा। उससे पहले एक बात कहता हूं मैं थोड़ा कि कुछ लोग बार बार ये कहते हैं कि आप उस दिन क्यों नहीं बोले, उस दिन क्यों नहीं बोला। ये बात मैंने अपने 3 और 4 अक्टूबर के लाइव में बोला है, तो उस बात को बार बार ये कहना कि क्यों नहीं बोले, उस दिन क्यों नहीं बोले। आज भी मैंने उस बारे में पोस्ट डाली है कि मैं क्यों नहीं बोला। ठीक, लेकिन लोगों को और तो कुछ बात पाती नहीं है, पॉइंट उस दिन क्यों नहीं बोले हैं, या फिर इतनी बेइज्जती करा के भी आप बोल रहे हो। भक्तों एक बात तो बताओ, चलो उस दिन मेरी बेइज्जती होगी, ठीक है, पर मैं उस दिन नहीं बोला, अब बोल रहा हूँ मान लो, तो एक बात बताओ, अगर किसी महिला के साथ, ठीक है, महिला में शादीशुदा महिला भी होगी और अनमैरिड भी कह लो, अगर कोई बदमाश बलात्कार कर देता है और वो महिला उस दिन कुछ नहीं कर पाती अपने बचाव में, तो क्या उसको बाद में कुछ करने का अधिकार नहीं है? क्या उसको ये कहोगे कि उस दिन इतनी बेइज्जती करा के अपनी इज्जत लुटवा के तू आज क्या नाम बोल रही है, तो क्या ये कहोगे? क्या बाद में अपनी बात कहना कोई गलत है? इस विषय में तो मैं सिर्फ इतना ही कह के आज इस बात को विराम देता हूँ। और मैं बार बार इन 2 बातों पे जो संजय मित्तल जी के चाहने वाले बार बार करते हैं कि उस दिन क्यों नहीं बोले या इतनी बेइज्जती करा कर ये बार बार क्यों बोल रहे हो, ये बेइज्जती आपको लगती है, मेरे लिए उस दिन संयम रखना बहुत ज़रूरी था और ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ। ठीक, तो इसका मैंने आज एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश की है कि शायद हो सकता है कि अब फिर कुछ लोग कहें अच्छा उस दिन तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ था। कह लेना भैया, अब अभद्र भाषा में बद्दी भाषा में काफ़ी कुछ आप कमेंट कर रहे हैं, कर लेना, लेकिन ये तो मैंने एक समझदारों के लिए इशारा दिया है कि वो समझ जाएगी अगर मैं उस दिन चुप था। उसी तरह अगर एक महिला उस दिन मौन रह जाती या कुछ कर नहीं पाती अपने बचाव में, तो क्या उसको बाद में कार्रवाई करने का हक नहीं है दुष्टों के खिलाफ? ठीक है, अब इस बात को मैं खत्म, और अब एक नई बात। अब 3 दिन से करीब, हाँ 3 दिन से ही करीब, 3-4 दिन से, क्या नाम वो श्याम अग्रवाल ने एक नया छेड़ा मतलब कहानी शुरू की है, और इस टाइम मेरे साथ लाइव एक ऐसी महिला कलाकार हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उस महिला कलाकार ने तो इस श्याम अग्रवाल के एक भजन पर बहुत पहले, आज से करीब 6 साल पहले कमी निकाल दी थी। जो ये दावा करता है ना कि मैं 5 मिनट में 2 भजन लिख देता हूँ, उस महिला कलाकार ने, मैं उनका नाम नहीं रहा, उनका मान सम्मान को बरकरार रखने की कोशिश मेरा काम है, क्योंकि उन्होंने विश्वास करके मेरे से बात की थी और उनके साथ क्या क्या बात हुई थी, अगर कभी वो महिला कलाकार खुद चाहें तो बता सकते हैं लोगों को, लेकिन शायद वो न बताना चाहेंगे क्योंकि उनकी एक मजबूरी है और वो मजबूरी उन्होंने मेरे से विश्वास करके बताई थी। तो उन्होंने क्या कमी निकाली थी इस श्याम अग्रवाल के भजन में, उस पर मैं बात करता हूँ।
श्याम अग्रवाल ने एक कोई भजन लिखा था, मेरे को नहीं पता कब लिखा था, लेकिन 6 साल पुरानी ये बात जरूर है। ठीक है, हाथ जोड़कर मांगता हूँ, कुछ ऐसा भजन था। ठीक है, उसका एक अंतरा था कुछ, जाने अनजाने में मैंने जिंदगी का मालिक बाबा श्याम को बना दिया। ठीक है, और उसकी अगली लाइन थी, इतने बुरे भी नहीं थे मेरे कर्म। ठीक है, तो इन महिला कलाकार ने उनको, श्याम अग्रवाल जी को कहा था कि इतने बुरे भी नहीं थे मेरे कर्म की बजाय इतने अच्छे भी नहीं थे मेरे कर्म, ये होना चाहिए था। अब भक्तों आप खुद डिसीजन लीजिए इस बात का कि इतने बुरे भी नहीं थे मेरे कर्म या इतने अच्छे भी नहीं थे मेरे कर्म, कौन सा ठीक होता है अगर भजन की लाइन होती तो। क्योंकि मैंने भावहीन और अपभ्रंश भजनों पे बात करना छोड़ दिया है मैंने। ठीक है, मैंने 6 सितंबर के बाद कोई बात नहीं की इस बात पे, लेकिन मैं श्याम अग्रवाल को बताना चाहता हूँ और मैंने इनडायरेक्ट परसों भी बताने की कोशिश की है उसको कि अरे दादा मैंने तेरे को बहुत पहले कह दिया था कि तू मेरी पोस्ट और मेरे लाइव से दूर रहा कर। हैं, उसी 4 अक्टूबर को मैंने ये बात कही उसको लाइव में, उसके बाद तो दे दनादन अब भद्दर भाषा में, भद्दी भाषा में कमेंट करने शुरू कर दिए श्याम अग्रवाल ने अपनी अलग अलग आईडी से। ठीक है, और फिर एक कमेंट करता है, हम संजय मित्तल के पक्ष में नहीं है तो फिर कमेंट क्यों कर रहे हैं। अब 2-3 दिन से एक नया मुद्दा उठाया उसने, बोले आप नंदू जी का अपमान किया, आपने बनवारी जी का अपमान किया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया, अपमान बहुत बड़ी बात है, अपमान करना मैंने नहीं किया किसी का भी अपमान, क्यों नहीं किया। अब मैं बताता हूं आपको, मैं वही बात अब कहना चाहता था, हम दिन रात प्रभु के बारे में एक बात कहते हैं और आज दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं उनके जन्म से हजारों 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 साल पहले हमारे धर्म में कह लो, हमारे ग्रंथों में कह लो, प्रभु के बारे में एक बात कही गई है, तमयो माता चय पिता तमयो, तमयो बंधु चय सखा तमयो। मतलब हे प्रभु तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा भाई है और तू ही मेरा मित्र है। जब हम परमात्मा को तू कह सकते हैं तो अगर कभी, पहली बात तो मेरे को जितना याद है और विश्वास है मैंने कभी भी पनवारी जी और नंदू जी के बारे में तू शब्द नहीं कहा। ठीक है, और फिर एक भजन जो नंदू जी का है उसकी एक लाइन पे मैंने जरूर पहले बात की थी और कहा था कि ये लाइन गलत है। ठीक है, कौन सी, नादान है अनजान है श्याम तू ही मेरा भगवान है। अब गौर करें, यहां भी नंदू जी ने खुद भगवान को कहा है, श्याम तू ही मेरा भगवान है। जब कहा है ना, ये मैंने तो नहीं कहा ना, नंदू जी ने कहा है ना कि श्याम तू ही मेरा। अब प्रभु को हम तू कह सकते हैं जबकि मैंने तो नंदू जी और बनवारी जी के बारे में कभी भी तू नहीं कहा। हाँ इतना जरूर है कि मेरे मुंह से कह लो या कह लो कि जानबूझ के मैंने नंदू जी को नंदू जी कहने के बजाय नंदू कहा या बनवारी जी को बनवारी जी कहने के बजाय बनवारी कहा। ठीक है, इतना तो बेशक आप ये मान लो और मैं भी कह देता हूं कि हाँ मैंने जानबूझ कर नंदू या बनवारी कहा, तो इसमें अपमान क्या हो गया। ये तो कह सकते हैं कि मैंने उनका सम्मानजनक शब्द से संबोधित नहीं किया, अगर मैं जी लगा लेता तो समान होता। ठीक है, इतना तो मेरा गुनाह है, लेकिन वो गुनाह इतना बड़ा नहीं है कि उसको आज आप मुद्दा बनाओ 3 दिन पहले, जबकि मैंने नंदू जी और बनवारी जी के भजनों के बारे में तो आज से करीब 1 महीने से भी अधिक समय हो गया जब मैंने बात की थी, उनकी भजनों की कमियां बताई थी और जो बताई थी वो डंके की चोट पे बताई थी, इसमें क्या दो राय है। और आज से 40-50 साल पहले ऐसी बातें होती भी थी, कवि लोग एक दूसरे की कमी बताते थे और लोग एक दूसरे से सीखते थे, लेकिन आज ये लोग क्यों चिढ़ते हैं, ये क्यों चिढ़ते हैं जब मैं कमी बताता हूँ या मैंने जब भी बताई है, क्यों चिढ़ते हैं आज, इसका एक कारण बताता हूं, क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ क्या क्यों कैसे, इस बात पे आप गौर करें। आज 40-50 साल पहले जो भी कवि होते थे, जैसे हमारे दादा गुरु जी होते थे स्वर्गीय बद्री सिंह जी तंवर,
अभी कुछ 4 साल पहले गुजरे हैं मेरे गुरुजी श्री कृष्ण सिंह जी तंवर, और 2-1 साल पहले गुजरे हैं गुरुदेव गजे सिंह जी, और उससे पहले सरल कवि जी हुए हैं जिनके भजन लिखे काफी लक्का सिंह जी ने गाए हैं, सोहन लाल लोहाकार जी हुए हैं। ये जो कवि लोग होते थे ये चर्चा करते थे, और हमारे दादा गुरु जी स्वर्गीय बद्री सिंह जी तंवर साहब, और हमारे यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है पथरवाड़ी गांव डिगावा के पास, वहां के नंदलाल कवि जी हुए हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया है। इन लोगों की तो बल्कि मुकाबले होते थे, ये सीखते थे एक दूसरे से, हैं कोई कमी होती थी उस पर गौर भी करते थे। और हमारे दादा गुरु जी स्वर्गीय बद्री सिंह जी तंवर साहब ने तो हरियाणा के प्रसिद्ध कवि लक्ष्मीचंद जी, मांगेराम शर्मा वगैरह की कविताओं में कमी बताई है, भजनों में, उनके कविताई मतलब भजन भजनों में कमी बताई है और उनका जवाब भी दिया है, तो उन लोगों को कभी बुरा नहीं लगा। आज इन लोगों को बुरा क्यों लगता है? क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, अब मैं समझना शुरू कर दिया कि क्यों 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 इन लोगों को बुरा लगता है ये बातें, क्योंकि इन लोगों का ये धंधा है, और पहले वाले कवियों का धंधा नहीं होता था, वो प्रभु कृपा से लिखते थे, लोगों की भलाई के लिए लिखते थे, लोगों के मनोरंजन के लिए लिखते थे, और उन्होंने कभी भी धंधा नहीं बनाया इस चीज को। लेकिन आज पिछले काफी सालों से इन लोगों का धंधा है, और धंधे में ये एक दूसरे के प्रेमी हैं, और उस प्रेमी के तहत जब किसी एक पे आ जाती है या किसी एक की कोई कमी निकालता है तो ये सारे एकजुट होकर, और इनके चाहने वाले लाखों में जो चाहने वाले हैं वे चाहने वाले, जबकि मैंने नंदू जी के भजन में कमी निकाली मैं कबूल करता हूं, ओपन निकाली है, ऑन द रिकॉर्ड की चीज है, और एक ही भजन में निकाली, ठीक है, और एक ही लाइन में, एक ही भजन की एक ही लाइन में, उसके अलावा तो मैं कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। बनवारी जी के में कमी निकाली ना, तो बनवारी जी बोले मेरे खिलाफ आज तक ना, नंदू जी बोले, नंदू जी से तो मैंने बल्कि ट्विटर पे एक बार सवाल भी किया था कि नंदू जी इस लाइन का मतलब क्या है, उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया, जबकि मैं ट्विटर पे उनसे सवाल किया है, ये बात मैंने पहले भी कही है। और अगर मेरी, मैंने जो कमियां निकाली हैं, ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान तो भाव के हैं, व्याकरण कहाँ है? ये संजय मित्तल जी, अब मैं जी कह रहा हूं, संजय मित्तल, आदरणीय संजय मित्तल जी भिवानी आकर ये कह के, भगवान कहाँ व्याकरण देखते हैं, भगवान कहाँ अलंकार देखते हैं, ये देखते हैं। तो ये भाव व्याकरण अलंकार ये सब मैंने थोड़ी बनाए हैं, संजय मित्तल जी, आपके और हमारे पैदा होने से पहले हजारों साल पहले ये व्याकरण और ये है, और कविताई के अंदर इन चीजों का ध्यान रखा गया है, आप लोग नहीं रखते, आपके जो लिखने वाले हैं वे नहीं, उन्होंने रखा इन चीजों का ध्यान, जब भी तो मेरे को कहने का मौका मिला ना, और हमारे दादा गुरु जी भी कमियां निकालते थे, पूछ सकते हैं आप भिवानी के लोगों से, मुकाबले होते थे। मेरी फेसबुक आईडी पे श्याम अग्रवाल के नाम से एक हमारे बड़े भाई जुड़े हुए हैं, वो श्याम अग्रवाल नहीं आप उनसे पूछ सकते हैं, है कहोगे तो मैं इसे लाइव के खत्म होने के बाद उन श्याम अग्रवाल जी की आईडी का लिंक भी वो कर दूंगा, और बहुत है, सुरेश जोशी जी हैं, पूछो आप उनसे कभी, इसमें चर्च इसमें बुराई क्या है? फिर 1 मिनट के लिए संजय मित्तल जी आज मैंने आपकी एक 5 अगस्त 2021 की लाइव है, ये चौथी लाइव मेरे को मिली है आपकी, ठीक है, 3 पे तो मैं परसों चर्चा कर चुका था, है आज ये चौथी मिली है, इस लाइव के अंदर जो मैंने अपनी फेसबुक पे छोड़ी है, ठीक है, जिसके अंदर हॉस्पिटल का भी 3-4 मिनट का एक जिक्र आपने किया है, ठीक है, तो इस लाइव के अंदर आपने कहा एक जगह कि क्या था वो, 1 मिनट अभी बताता हूँ, मैंने नोट किया था, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सर, आप अपना लाइव देखिएगा संजय मित्तल जी, 5 अगस्त 2021 का जो आपने लिखा है, इसमें बेजू बावरा जी ने भी, बेजू बावरा जी ने तानसेन को पछाड़ दिया, तानसेन को पछाड़ दिया, इसका मतलब संगीत की उन्होंने बात की ना, संगीत में पछाड़ दिया ना, क्यों?
तानसेन की उसमें वो थी, आपने यहां शब्द कहा अहंकार, तानसेन के अहंकार को बेजुबावरा ने पछाड़ दिया। तो आपके भजनों में अगर कमी है तो मेरा बताना क्या गुनाह है जो मैं 6 सितंबर से पहले तक बताता रहा हूं आपके मन, इन द सेंस जिन जिन का नाम आपने भिवानी आकर लिया था उन सभी का, और जिनका भी आपने नाम नहीं लिया उन सभी के भजनों में मैंने जो कमी बताई वो क्या गुनाह है। आप सिर्फ भावनात्मक बात करते हैं कि भगवान कहाँ, भाव देखते हैं कहाँ, भाव देखते हैं भगवान लेकिन बोलते नहीं है। जिस दिन बोलना शुरू कर दिया ना भगवान की तो बात ही छोड़ो, प्रभु के चाहने वालों ने ही बोलना जिस दिन शुरू कर दिया, यही बात तो मैंने कह के ये छोड़ा था ना, भावहीन और अपवर्णित भजनों पे बात नहीं करूँगा भविष्य में, क्योंकि मैंने 7 सितंबर के अपने लाइव में क्लियर कहा है सभी भक्तों से कि तुम तो बोलते नहीं हो, मैं कहाँ तक अकेला बोलूँ, कितना बोलूँ, 10 साल हो गए मेरे को बोलते बोलते, ठीक है। लेकिन जितना बोला है संजय मित्तल जी नंदू जी के भजन के बारे में, बनवारी जी के भजन के, अब इस बात को तो छोड़ ही देना कि मैंने नंदू जी का अपमान किया, अपमान मैंने नहीं किया। खामखा बहाने मत ढूंढो संजय मित्तल जी या नंदू जी और वगैरह के चाहने वालों, प्लीज बहाने मत ढूंढो, टू द पॉइंट बात करो। अगर मैंने अपमान किया है नंदू जी का, बनवारी जी का, तो बनवारी जी का मैं गुनाहगार हूं, नंदू जी का मैं गुनाहगार हूं, आप बहाने क्यों ढूंढते हैं, ठीक है। दूसरी बात संजय मित्तल जी, अब मैं एक बार हॉस्पिटल का थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन करता हूं, विस्तार से नहीं करूंगा आज चर्चा थोड़ी सी करता हूं कि जैसे आपने कहा भिवानी उस दिन 1 अक्टूबर को मेरे पे आरोप लगाते हुए कि मैंने कब कहा था कि मैं अस्पताल बनाऊंगा वहां, आपने नहीं कहा तो किसी ने कहा, आपने नहीं चाहा तो किसी ने चाहा, पवन जलान ने चाहा, 7-8 साल पुरानी बात हो गई वो, मेरे को नहीं पता कितने साल पुरानी, ठीक है। तो उस टाइम जो मैंने चर्चा सुनी थी कि संजय मित्तल जी अस्पताल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो और पूरा देश पुकार रहा था, आप जितना भड़के भिवानी आकर 1 अक्टूबर को, आज उस बात के करीब 7-8 साल बाद जब सारा देश पूरे देश को रिक्वेस्ट कर रहा था कि संजय मित्तल जी अस्पताल बनाना चाहते हैं, आप उस टाइम क्यों नहीं भड़के, क्यों नहीं लोगों से हाथ जोड़ के विनती की कि भाई मैं यार मैं कहाँ अस्पताल बनाना चाहता हूँ, आप क्यों मेरे नाम से ऐसे लोगों को मैसेज कर रहे हैं कि चंदा दो या ये वो दो या वो दो, ठीक है। लेकिन आज जो मैंने वीडियो पोस्ट की है आपकी 5 अगस्त 2021 की, उसमें करीब वीडियो के 33 मिनट से लेके 37 मिनट तक शायद करीब 4 मिनट में आपने अस्पताल का थोड़ा सा जिक्र किया है। उस जिक्र में आपने 10 लाख लोगों से 1,000 रुपये लेने की बात की है, और उसमें एक जगह स्पेशल का है हमारी ओटी इतनी बढ़िया हो कुछ ऐसा, हमारी ओटी, ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर। अगर आपका अस्पताल से कोई कंसर्न ही नहीं था तो हमारी ओटी ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर घर का तो था ही नहीं, अस्पताल की ही तो बात कर रहे हैं ना कि अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर, तो वहां हमारी शब्द का यूज किया है, हमारी किसकी, संजय मित्तल और पवन जलान के अस्पताल की, नहीं ना, मैं तो कहीं उसमें लाइमलाइट में था ही नहीं, मैं तो आपका कोई सहयोगी था ही नहीं या और कुछ था ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, आज चंद सवाल अस्पताल के बारे में मैं आपके समक्ष रख रहा हूं संजय मित्तल जी, कृपया कभी जैसे आप 5 अगस्त 2021 को लाइव आए हैं, हैं अभी 1.5 महीना पहले बेरीवाल जी के मैटर पे आप लाइव आए थे, हैं ऐसे ही कभी लाइव आइए, क्योंकि इस 5 अगस्त की 2021 की वीडियो में आपने 2-3 मिनट जिक्र किया जी, हैं वो बाकी बातें नहीं बताई जो आपने व्यक्तिगत मेरे को बताई थी 6 सितंबर को, ठीक है। अगर उतनी बातें भी आप इसमें बता देते सारी तो लोग डिसीजन ले लेते, ठीक है, कि क्या मैटर था क्या नहीं था, ठीक है। लेकिन मेरा यह आपसे एक सवाल है, अगर आप मेरे पे ये छोटा सा क्या कहते हैं वो बाल की खाल खींचना कि मैंने कब कहा था कि मैं हॉस्पिटल बना, इस प्रकार के आरोप लगाने की बजाय पहली बात तो अगर मेरे से आरोप लगाते हैं तो पहले उन लाखों लोगों को पे आरोप लगाएं
कि जिन्होंने पूरे देश वर्ल्ड के अंदर ये मैसेज छोड़े थे कि संजय मित्तल जी अस्पताल बनाना चाहते हैं तो उनको सहयोग दीजिए, ठीक है। दूसरा, अगर आपने नहीं कहा कि मैं अस्पताल बनाना चाहता हूं, आपने जबकि आज के वो जो मैंने आज के सॉरी 5 अगस्त 2021 की वीडियो में आपने कहा है कि 10 लाख लोगों से 1000 रुपए, तो मैं उस हिसाब से 100 करोड़ रुपए, तो मैंने भी कब कहा कि 100 करोड़ रुपए लगाकर आप अस्पताल बनाना चाहते थे, ठीक है। अगर आपने नहीं कहा कि मैं अस्पताल बनाना चाहता हूं, ये मैंने कब कहा, तो मैंने भी कब कहा कि आप 100 करोड़ रुपए लगा के अस्पताल बनाना चाहते थे, नंबर एक, ठीक है, कभी दीजिएगा जवाब इसका। दूसरा, मैं संक्षिप्त में छोटे छोटे वो प्रश्न आपके आगे रख रहा हूं अस्पताल से संबंधित, कि क्या आपके अलावा किसी के मन में ख्याल आया था कि खाटू श्याम में अस्पताल बनना चाहिए, ठीक है। नंबर दो, क्या आपके अलावा किसी ने अस्पताल बनाने के लिए कोई और कोशिश की, जितनी कोशिश आपने की, कितनी की, वो तो आपने 5 अगस्त 2021 की भी वीडियो में नहीं बताई है लाइव में, ठीक है, क्यों नहीं बताई, क्या क्या कोशिश की आपने, क्या आपने अस्पताल खाटू श्याम जी में बनाने, चलो फिर वही बात आ जाएगी कि मैंने कब कहा था कि मैं बनाना चाहता हूं, चलो आप चाहते थे ना कि अस्पताल बने, तो उस अस्पताल बने बने के लिए कह लो आप, ठीक है। और अगर आपको ये लगता कि मैंने कहा था कि आप अस्पताल बनाना चाहते हैं, तो चलो अगर मैंने कह भी दिया, जैसे लाखों लोग कह रहे थे उस टाइम, तो इसमें भड़कने की इतनी क्या बात थी, है? आप मेरे को भी कह सकते थे ना, जैसे 6 सितंबर को आपने प्रेम से मेरे से करीब 48 मिनट 21 सेकंड बात की, ऐसी 1 मिनट 2 मिनट में मेरे को भी तो कह सकते थे ना कभी फोन करके कि पवन जालान भाई मैंने कब कहा है यार अस्पताल बनाने के लिए, क्यों मेरा वो कह रहे हो। और अगर मैंने कहा भी तो कोई बुरा तो नहीं कहा ना, एक अच्छा काम आप करना चाहते थे, लाखों लोग कह रहे थे, तो अगर मैंने भी कह दिया तो क्या गुनाह कर दिया, ठीक है। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि आप 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए लेके आपने कीर्तन के लिए रुपए तो ले लिए लेकिन आप कीर्तन करने नहीं आए, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना, ऐसा तो नहीं कहा ना, ये मैंने ये तो नहीं कहा ना कि आपने मेरे से रुपए लिए थे और वो मेरे रुपए नहीं लौटा रहे, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि आपने किसी को गाली बकी है, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। अगर मैंने, चलो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं कहा, ये तो मैंने परसों के अपने लाइव में भी कहा है, श्याम प्रभु से विनती की है कि हे प्रभु अब तू ही कुछ सहारा बन, और वो सहारा बना। कल एक भाई ने, क्या नाम है उनका, मोदी मोदी कुणाल मोदी शायद है, उन्होंने एक पोस्ट डाली, मैंने वो शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ 10 लाख लोगों से 1000 रुपये लेने की बात हुई थी, कही गई थी आपके द्वारा, और वो आपने 5 अगस्त 2021 की वीडियो में भी कही है कि हाँ मैंने कहा था, ठीक है। तो कहा आपने, चाहा आपने, ठीक है। तो मेरा अगला सवाल, ये नंबर ही आप देख लेना सॉरी नंबर आप देख लेना, तो उस चाहने और कहने के बाद क्या आपने कुछ विशिष्ट लोगों से, विशिष्ट श्याम जगत के विशिष्ट लोगों से, और वह विशिष्ट लोगों की संख्या जो आपने मेरे को बताई थी उस हिसाब से 25, क्या आपने उन 25 लोगों से इस नेक काम के लिए एकत्रित होकर मीटिंग रखने की बात नहीं की थी? वो खाटू श्याम जी के कौन से होटल, पता नहीं क्या स्वामनी, शायद स्वामनी बताया था आपने कि स्वामनी के उसमें मीटिंग रखने की बात की थी मैंने उनसे, क्या नहीं की थी? हो सकता कि स्वामनी की बजाय और कोई, क्या कभी फिर आपके लोग बाल की खाल निकाले कि कहाँ कहा था स्वामनी होटल में, जबकि जहां तक मेरे ध्यान है आपने स्वामनी होटल ही कहा था, ठीक है।
दूसरी बात, क्या वो 25 लोग वहां आए? अगर नहीं आए तो क्यों नहीं आए? क्या आपने मेरे को ये नहीं कहा था कि मैंने उनसे कहा कि एक ऐसा संस्था बनाओ है? तो क्या वो संस्था बनी? अगर नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी? क्या ये बात आपने 5 अगस्त 2021 की लड़ाई में कहा, या उससे पहले, या 1 अक्टूबर को भिवानी आकर कहने के दौरान कभी कहा कि वो लोग क्यों नहीं आए हैं, या वो संस्था क्यों नहीं बनी? अब आ जाओ संस्था पे, ठीक है? अब जिस दिन आपने उन 25 आदमियों से कहा और वो मीटिंग हो भी जाती, मान लो 1 मिनट के लिए, तो संस्था को रजिस्टर्ड कराने में और करने में, जैसे आपने जिक्र किया है कि एक ऐसा ऐप होगा जिसमें लोग 1,000 रुपये डाल देंगे हैं, और वो सारा बैंक अकाउंट और वो सब कुछ भी देख सकेंगे कि कैसे पैसे कहाँ खर्च हुए और क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है? क्या ये आपने नहीं कहा था? ठीक है, और संस्था बनने में, संस्था का बैंक अकाउंट खोलने में, और वो ऐप बनाए जाने में, या और भी जो ऐसे मौकों पे, मतलब ऐसे कार्य प्रणाली के अंदर जो काम किए जाते हैं, उसके अंदर मान लो जिस दिन वो आपकी मीटिंग होनी थी जो किसी कारणवश न हो पाई, क्या आपने लोगों को बताया कभी कि वो 25 आदमी कौन थे? माफ कीजिएगा भक्तों, हो सकता है कि उनमें से दो चार आज स्वर्गवासी भी हो चुके हों, ये तो परमात्मा की वो है, आना जाना दुनिया में लगा रहता है। मैं किसी भी उन 25 में से स्वर्गवासी हो चुके या वर्तमान में जो मौजूद है उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी, मैं अब आज उनका कोई नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये नाम लेने का काम सरदेव श्री श्री संजय मित्तल जी का है, ठीक? तो वो जो संस्था बननी थी उसके बाद जितने भी काम होने थे उन सब कामों में कम से कम 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, कुछ तो लगते ना भक्तों, लगते हैं ना ऐसे कामों में है? तो मेरा अगला सवाल कि क्या संस्था बनी थी, ये तो मैंने शायद पूछ लिया है? और क्या संस्था बनने से पहले अस्पताल कोई आसमान में तो बनना नहीं था ना, जमीन पे बनना तो उसके लिए कोई जमीन देखी गई थी? देखी थी ना, बताया था ना आपने मेरे को लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, देखी गई थी ना? क्या उस जमीन के लिए कोई एडवांस टोकन मनी, जिसको एडवांस मनी भी बोल देते हैं, हमारे हरियाणा में ब्याना भी बोल देते हैं, क्या दिया गया था? दिया गया था तो कितने रुपए दिया गया था? जबकि मेरे को तो पता है, आपने मेरे को बता मैं अब कुछ जिज्ञासा भक्तों के दिल में छोड़ना चाहता हूं कि क्या आप मेरे इस बात का जवाब देंगे, क्या ब्याना दिया गया था? दिया गया था तो कितने 1,000 रुपए दिया गया था? दिया गया था तो किसकी जेब से दिया गया कितना दिया गया था, और दिया गया था कितना दिया गया था? फिर अगला सवाल है, एक संस्था, जहां तक आपकी बातों से लगता है मेरे को, वो संस्था बनी नहीं क्योंकि आपके वो 25 आदमी आए नहीं, तो संस्था बनी ही नहीं, तो उससे पहले बयाना देने की क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी? और वो बयाना किसको दिया गया था? वो जमीन किसकी थी जो आप खरीदना चाहते थे? आप ही कहूंगा ना मैं तो, क्योंकि बयाना दे दिया गया तो जमीन तो वो ही खरीदी जाएगी ना, ये तो नहीं है ना कि बयाना किसी जमीन के लिए दे जाए और हॉस्पिटल के लिए कोई और हो ठीक है ना? तो आज इतना ही बहुत है मेरे ख्याल से, और ये जो नंदू जी और बनवारी जी के बारे में बात कर रहे हैं, कल भी शायद किसी ने बहुत अपमानजनक तरीके से
मेरे खिलाफ बोला, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि आपकी मानसिकता ही, ये बात तो मैं पहले भी एक दो बार कह चुका हूँ, लेकिन मैंने कोई अपमान नहीं किया। और नंदू जी को नंदू जी कहने के बजाय नंदू कह दिया, तो ये अपमान नहीं है। ये तो कह सकते हो कि मैंने सम्मानजनक शब्द से संबोधित नहीं किया उनके नाम को, लेकिन अपमान नहीं कह सकते। और अगर नंदू जी बनवारी जी मेरा इतना कहने को अपमान मानते हैं, तो मैं आज आप सभी के सम्मुख सार्वजनिक रूप से नंदू जी बनवारी जी से माफी मांगता हूं। मैं माफी मांगता हूं, लेकिन नंदू जी और बनवारी जी के जिन भजनों में मैंने कमी बताई है, उसके लिए जिंदगी में कभी माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि उनमें कमी थी है। मेरे गुरु जी ने से मैंने जो सीखा है उसके दम पे मैंने कमी बताई है, और ओपन बताई है, कोई छुप के थोड़ी बताई है, कोई संजय मित्तल जी की तरह गुस्से में भड़कते हुए थोड़ी बताई है, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से बताई है। और लोगों ने समझा है, लोगों ने माना भी है कि मैं इस बारे में पहले भी कह चुका हूँ, और मेरे को विश्वास है कि मेरी ये आज की वीडियो भी संजय मित्तल जी तक जाएगी, ठीक है। और संजय मित्तल जी से मेरी फिर एक वही सवाल कि मैंने आपसे बात होने के बाद 6 सितंबर को 7 सितंबर के अपने लाइव में भी अस्पताल का नाम लिए बगैर आपसे कहा था, रिक्वेस्ट की थी मतलब लाइव में, कि आपने जो नए काम सोचा था उसका दोबारा प्रयास किए कीजिए, आप प्रभु ने चाहा तो सफल होगा। तो 7 सितंबर को मैंने ये बात कही, तो फिर आप उसी पॉइंट पे 1 अक्टूबर को ही क्यों बढ़ गए? 7 सितंबर और 1 अक्टूबर के बीच में मोटा मोटी 23 दिन तो है ना, उन 23 दिन में आप बढ़ के मेरे को बात करते ना, जैसे 6 सितंबर को आपने मेरे से प्रेम से बात की थी, 1 अक्टूबर को बढ़ के बात कर लेना, कर लेते मतलब 1 अक्टूबर से पहले बात कर लेते। और दूसरा, संजय मित्तल जी मैं आपकी मानसिकता को समझ गया आप थोड़ी बहुत, जैसे आपके चाहने वाले मेरे कह रहे हैं ना कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, ये डॉक्टर का काम होता है भक्तो कि किसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आपके चाहने वालों की अगर मैंने किसी बात में कमी बता दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया, ये मनोचिकित्सकों का और उनका डॉक्टरों का काम है बताना, ठीक है। और ऐसे अगर आपने कभी किसी और व्यक्ति के बारे में कह दिया ना, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत भी आ जाए, तो इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग मत किया करें, थोड़ा सा शांतिपूर्वक ही बात किया करें, ठीक है। क्योंकि प्रेम है किसी से, ठीक है रखो, लेकिन अब भद्रता अमर्यादित भाषा में। और मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अब विनोद शर्मा जी हैं नाम शायद, पीला दुपट्टा गले में डाल के, इन्होंने मेरी एक 15 मिनट की वीडियो कट करके लाइव की शेयर भी की ना, वो पोस्ट की है, शेयर नहीं की मेरी, उसको पोस्ट की है, उस पर भी काफ़ी लोगों ने कहा है, उसी में शायद मैंने नंदू जी और बनवारी जी का जिक्र किया है, नंदू और बनवारी कह के, तो लोगों ने मेरे को काफ़ी ज्ञान दिया है, और वो वीडियो मेरे को आज देखने को मिली, तो उनके कमेंट भी पढ़े, तो मैंने अपनी गलती आज मान ली कि शायद मेरे को नहीं कहना चाहिए था, मैंने जाने अनजाने में कहा, चाहे जानबूझ के कहा, जो भी कहा मेरे को नहीं कहना चाहिए था, जी लगाना चाहिए था, और मैं जी लगाया है आज। तो मेरे ख्याल से कल लाइव में जो भड़के हुए थे बहुत बद्दा बद्दा बोले, शायद आज उनकी आत्मा को संतुष्टि मिली होगी कि मैंने नंदू जी और बनवारी जी कहा है, ठीक है, शायद अब उनका क्रोध शांत हो गया होगा मेरे प्रति। बाकी तो वो जाने और उनका काम जाने, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को विनोद शर्मा जी से भी कोई गिला सिखवा नहीं है, शेयर की है जो मैंने कहा है वही पोस्ट की है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई मना थोड़ी करता हूँ, आपने की है। और श्यामर गोवाल जी, आज आपके एक भजन पे आज से 6 साल पहले एक 18 साल की गायिका ने कैसी कमी निकाली थी, और आपको बताया भी था, उसका भी मैंने जिक्र कर दिया है, और शायद आप समझ गए होंगे, ससुराल गेंदा फूल दरबार पावरफुल, मैं फिर दोबारा यूज कर रहा हूँ इन शब्दों को, और फिर भी आपने बद्दे और अभद्र भाषा में कमेंट करने हैं मेरे लाइव पे या पोस्ट होगी तो करते रहिए, और लोगों से करवाने हैं तो करवाते रहिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि
इससे दुनिया को धीरे 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 पता चल जाएगा। विनोद शर्मा जी के उस मेरे लाइव के टुकड़े पे 15 मिनट में लोगों ने श्याम अग्रवाल जी की काफी प्रशंसा की है, अच्छी बात है। लेकिन एक बच्ची ने, 18 साल की बच्ची ने भजन में कमी निकाली है। आप भी सोचना, मैंने बताया है शुरू में कि एक बच्ची इतनी समझदार थी और बच्ची ने श्याम अग्रवाल जी क्योंकि मर्यादा खोना गुस्से में मेरा काम नहीं, मेरा धर्म नहीं रहा कभी। आलोचना करता हूं लेकिन नफरत नहीं करता, नफरत आज भी नहीं है आपसे, नफरत नहीं है। और रहा दूसरी बात, संजय मित्तल जी एक बात कह के गए थे अभी वाणी कि लोग गाते हैं, क्यों गाते हैं? 2 मिनट इस पर चर्चा कर लें, फिर मैं दी एंड करना चाहूंगा। भीमसेन जुड़ा हुआ है, कमेंट नहीं कर रहा है अभी, ये पिछले कुछ दिनों से, ये भी बैरी पता नहीं। कोई बात नहीं है भीमसेन, तेरे भाई में है इतना हौसला तो सच कहने की है, ठीक है। तो जैसे बचपन में हम पढ़ते थे स्कूल में, विनोद शर्मा जी भी जैसे लगते हैं कि मेरी उम्र के हैं शायद, हो सकता है हम दोनों में आपस में 2, 4, 5 साल का छोटे बड़े का अंतर हो। तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, पाढ़े रटाए जाते थे, ऐसी गिनती रटाई जाती थी और थी। तो आजकल के जो प्रोफेशनल गायक हो गए वो क्या करते हैं, जो शब्द जैसे संजय मित्तल जी बोले थे ना यहाँ उस भजन के बारे में, साथ ही हमारा कौन बनेगा, कितने काम बनते हैं, अच्छी बात है काम बनते हैं तो हैं। तो अब क्या करते हैं, एक लाइन बोल के साथी हमारा, माइक लगा दिया पब्लिक की तरह, कौन बनेगा, वो रटा देते हो आप लोग यार हैं? अगर ऐसी हैं तो अगर भजन सुनने से लोगों के काम बनते हैं तो ये भीमसेन बैरी मेरे गली जुड़ रहा है, भी मेरा गुरु भाई, तो यो तो अरबपति बन जाना चाहिए था युग तक। क्योंकि ये तो भजन लिखता है, जब सुनने मात्र से अगर भक्तों के काम बनते हैं तो लिखने से, लिखने वाले जिसने लिखा प्रभु के बारे में, तो उसका तो कम से कम डबल काम तो बनना चाहिए ना। है जी, काम संजय मित्तल जी प्रभु कृपा से बनते हैं, भजन सुनने से और लिखने से काम नहीं बनते, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। अगर आप मानते हैं तो अच्छी बात है, मैं आपका विरोध नहीं करूंगा, ठीक है। काम प्रभु कृपा से बनते हैं। और रही भजनों की बात है, भीमसेन के और मेरे दादा गुरुजी एक ही हैं, एक ही थे, मतलब स्वर्गीय बद्री सिंह जी तंवर साहब, और उनका एक लिखा भजन है संजय मित्तल जी, आपको संबोधित करते हुए बताना चाहता हूं। वो पूरा तो मेरे ध्यान नहीं है, मुखड़ा भी शायद पूरा ध्यान नहीं है, क्योंकि कई साल पहले हमारे दादा गुरुजी के एक शिष्य होते थे यादव साहब, नाम ध्यान नहीं आ रहा पूरा उनका, उन्होंने सुनाया था, आते आते कीर्तन में इंसान बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, शैतान बदल जाते हैं। ये बागे तोड़ की क्या लाइन थी, वो मेरे पक्की ध्यान नहीं है, इसलिए मैं नहीं गाऊंगा उसको, क्योंकि गलत गाना गलत है। तो जितना मेरे को ध्यान है मैंने उतना ही गाया है, ठीक है। तो कीर्तन में और भजनों को सुनने से इंसान और जो शैतान रूपी, जिनके मन में सारे दिन शैतानियां रहती हैं, उनके मन के भाव बदल जाते हैं, प्रभु में लो लग जाती है, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। लेकिन काम बनते हैं या नहीं बनते हैं इस बारे में मैं नहीं कहूंगा। भीमसेन ने कहा मेरे को याद है, हाँ शायद याद आ जाए, बता दे बता दे राव साहब, समझ गया होगा भीम, प्रीतम के पापा जी। लोग उसको, हमारे एक अन्य गुरु भाई प्रीतम पांचाल होते थे, उनके पास पिताजी समझते थे, क्योंकि वो मोस्टली उनके साथ रहते थे, तो जबकि पिताजी नहीं थे, कोई बात नहीं, तो एक मजाक की बात है। तो
लोगों के विचार बदल जाते हैं। तो काम भी अगर बनते हैं, अगर आपका मानना है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। अब कुछ लोग कई दिन से मेरे इस पे पोस्ट कर रहे हैं कि संजय मित्तल जी हमें श्याम प्रभु से जोड़ने का काम करते हैं, अच्छी बात है। अगर जोड़ते हैं तो, अगर आप संजय मित्तल जी के कारण जुड़ते हैं श्याम प्रभु से तो अच्छी बात है। मैं हाँ, फुल सिंह जी यादव, फुल सिंह जी यादव, भीम ने नाम दे दिया फुल सिंह जी यादव, यस। शायद ये भी अभी कुछ दिन पहले स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो फुल सिंह जी यादव को काफ़ी भजन दादा गुरु जी के और बहुत कुछ याद रहता था, बहुत कुछ याद रहता था, ठीक है। और आज अभी तक शायद मेरे साथ जुड़े नहीं हैं, खेतड़ी झुंझुनू से कैलाश चंद जांगिड़ जी, तो कभी उनसे चर्चा कर लेना कि पहले कवि कवियों में कैसे मुकाबले होते थे और कैसे एक दूसरे का वो सीखते थे एक दूसरे से, ठीक है। तो सीखना कोई बुरी बात नहीं है, अगर कोई कमी निकालता है तो उस कमी पे गौर करो ना, उसको गंदा बताने की बजाय अपनी कमी पे गौर करो ना, है? और संजय मित्तल जी आप क्या कह गए थे भिवानी कि आपके लिखे भजन कितने गाते हैं लोग? मैंने कल एक पोस्ट मेरी पुरानी शेयर की है जिसमें करीब 40 के करीब जिन लोगों ने मेरे भजन गाए हैं मैंने उनका वर्णन कुछ दिन पहले किया था, क्योंकि एक दिन कुछ दिन पहले करीब डेढ़ एक महीना पहले आपकी तरह ही किसी ने मेरे पे कटाक्ष किया था कि आपके लिखे भजन कौन गाते हैं, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं जितने मेरे को याद आए गायक कलाकार उनके नाम लिखकर एक पोस्ट शेयर की थी, पोस्ट डाली थी, जिसको मैंने कल शेयर किया है संजय मित्तल जी खासकर आपके लिए, ठीक है। उसमें जिन लोगों ने मेरे भजन गाए हैं उसमें मैन मैन रजनी राजस्थानी जी हैं, रजनी शर्मा जी फतेहाबाद से हैं, रोमी भाई, राजू बावरा, अब कोई पूछे रोमी भाई, अरविंदर सिंह रोमी जानते होंगे ना आप सब हैं, राजू बावरा जी आगरा से जानते होंगे ना, और खुद सुशील गौतम जी जिन्होंने विनोद शर्मा जी की पोस्ट में कमेंट किया है मेरे लिए कि जलन जी आपको थोड़ा रिस्पेक्ट से बोलना चाहिए था ना, है सुशील जी मैंने माफ़ी मांग ली है ना सार्वजनिक रूप से, इतना हौसला है ना तेरे भाई में, ठीक है, कि अगर मैंने श्रद्धे श्री नंद किशोर शर्मा जी नंदू जी को नंदू कह दिया और बनवारी जयशंकर चौधरी जी बनवारी को अगर सिर्फ बनवारी कह दिया, अगर ये मेरा अपराध है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और भविष्य में कभी ऐसा नहीं होगा है। तो क्योंकि सिखाया है गुरुदेव जी ने कि अगर इंसान से गलती हो जाए तो प्रायश्चित और पश्चाताप करना चाहिए है, अहंकार में दूसरों में कमी नहीं निकालनी चाहिए संजय मित्तल जी, जैसे आप भड़क के निकाल देते हैं जो कमी आपने 1 अक्टूबर को कही, ठीक है। और मैंने आज एक बात और कही है एक कमेंट में कि आपने मेरे बैठे बैठे जो 2 भजन गाए ना वो भी आपका एक प्लान का हिस्सा था, 1 अक्टूबर को आपने जितना कुछ बोला वो भी आपके एक प्लान का हिस्सा था, ठीक है। और वो कैसे था, कभी प्रभु ने मेरे को समय दिया, मेरी जिंदगी बख्शी, क्योंकि सांसों का क्या भरोसा है, तो कभी दूंगा जवाब मर्यादा से संयम से है। और वो गायक कलाकारों में मैंने जो नाम बताए हैं करीब 40 के करीब हैं शायद, भजन तो 60-70 ने गाए, मेरे को जितना याद रहा मैंने उस दिन उस पोस्ट में उतना ही लिखा। तो अब किसी ने कह दिया है कि ये क्या कहा गायक कलाकार, अगर रोमी जी गायक कलाकार ने रजनी राजस्थानी, ठीक है रजनी राजस्थानी से आजकल थोड़ा सा वो बात नहीं है जो 2008-09 में थी, मई 2008 की 11 तक थी, वो बात मई 2009 की 11 के बाद नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन कभी मैंने रजनी राजस्थानी जी के बारे में बद्दा नहीं बोला है, कभी रोमी भाई के बारे में नहीं बोला है, ठीक है। तो अगर इनको आप गायक नहीं मानते, आज मैंने शायद आज ही पोस्ट डाली है, क्या मोटे मोटे लिफाफे लेने वाले को ही गायक मानते जो बिना पेमेंट के या कम पैसे में भजन कीर्तन करते हैं, क्या वो गायक नहीं है? अगर वो गायक नहीं है तो भजन प्रवाह शब्द का मतलब क्या है?
छोटे छोटे शहरों कस्बों के अंदर, बड़े बड़े शहरों में भी महिलाएं 10-15 इकट्ठी होके भजन गाते हैं, तो गायक तो उनको भी तो कहा जा सकता है ना। गायक गायकी तो कहेंगे ना, जो भजन गा रहे हैं गायकी तो कहेंगे ना, भजन प्रवाह कह लो, भजन प्रवाह तो है ना, वो भी पेमेंट ही तो नहीं ले रहे, लंबे लंबे कुर्ते पजामे और ये वो हैं महंगे वो नहीं पहने, इतना ही तो है ना, लेकिन भजन प्रवाह तो है ना। तो जितने भी सुप्रसिद्ध भजन लेखकों और गायकों के चाहने वाले हैं आज लाखों करोड़ों की संख्या में, उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम मर्यादित भाषा में कमेंट करें, चाहे मेरी आलोचना करें, कोई दिक्कत नहीं है, मर्यादा जरूरी है, ठीक है। और फिर एक बार नंदू जी और बनवारी जी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और उन जैसे के लिए जिनके लिए भी मैंने सिर्फ जी नहीं लगाया, उन सब से क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। और मेरे को पूरा भरोसा है कि संजय मित्तल जी 2-4 दिन में शायद अपनी फेसबुक आईडी से, अब तो मेरे को पता चल गया कि फेसबुक आईडी भी है उनकी, उन्होंने कहा मेरा फेसबुक आईडी नहीं है, फेसबुक पेज संजय मित्तल ऑफिशियल पेज है, जबकि आज मैंने जो पोस्ट डाली है वो संजय मित्तल ऑफिशियल नहीं है, संजय मित्तल के नाम से आईडी पे लाइव आए हुए हैं। संजय मित्तल जी एक तो ये थोड़ा सा गलती सुधारिए, ठीक है, आपका संजय मित्तल ऑफिशियल पेज कोई और होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन आप जो आज मैंने पोस्ट डाली है आपकी 5 अगस्त 2021 की, वो संजय मित्तल के नाम से है, तो वो फेसबुक आईडी ही होगी आपकी जहाँ तक मैं समझता हूँ, और शायद फेसबुक आईडी के बगैर तो फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप भी नहीं बन सकता होगा शायद, शायद आई एम नॉट कन्फर्म। तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है कभी कभी बोलते वक्त ऐसी, मैं इसको ज़्यादा इश्यू नहीं बनाऊंगा, और मेरे को थोड़ा सा विश्वास है कि अब आप शायद 2, 4, 5 दिन 10 दिन में जब भी फ्री होंगे तो लाइव आके इस हॉस्पिटल मुद्दे पे कम से कम उतनी स्पष्ट बात तो जरूर करेंगे जितनी आपने मेरे को बताई थी। और उसके बाद ये जो ऑल ओवर वर्ल्ड श्याम प्रभु के प्रेमी है ना, है उनको निर्णय लेने देना कि क्या होगी कहानी उस टाइम, ठीक है। और मैं तो आज भी प्रभु से यही दुआ करूंगा, और आज फिर कहता हूं, ठीक है, कि आप अपना वो नेक काम जो रह गया था, ठीक है, अस्पताल बनाने, ये तो इश्यू क्लियर हो चुका है ना, तो बोर कीजिएगा, प्रभु के चाहने वाले ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत काफी है। हाँ सच्ची एक बात उलाना दूंगा मैं संजय मित्तल जी आपको, यार सॉरी यार कह दिया, कोई नहीं, जब प्रभु को भी हम यार कह सकते हैं तो सॉरी फिर भी, लेकिन कि आप ये कहे कि 10 लाख लोगों से 1,000 रुपये लें तो ठीक, पर मैं अगर सिर्फ इतना कह दूं कि श्याम प्रभु के प्रेमियों से मात्र 11 रुपये लें तो वो गलत कैसे वो गलत कैसे हुआ? आपने उस पे भी थोड़ा सा गुस्से में काफी कुछ कहा था, 11-21 ये यथार्थ की बातें नहीं है, ये वो नहीं, अगर 11-21 यथार्थ की बातें नहीं है तो 11-21 तो बहुत नेक राशि मानी गई है हमारे हिंदू धर्म के अंदर, हर नेक काम में 11, 21, 51, 101 है माने गए हैं। तो मैं तो श्याम प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि वो मतलब श्याम प्रभु, वे कह लो, फिर कोई कह देगा श्याम प्रभु को वो कह दिया है, श्याम प्रभु से यही प्रार्थना कर रहा हूं अब लाइव के अंदर है, सभी भक्तों के समक्ष है, सभी भक्तों को हाजिर नाजिर मान के मैं श्याम प्रभु से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हे प्रभु सरदे श्री संजय मित्तल जी को वो फिर हौसला दो, फिर हौसला दो कि वो अपने उस नेक काम को क्या कहते हैं उसको भाई, अस्पताल बनाने में चलो सफल होए, ठीक है सफल होए। मैंने तो संजय मित्तल जी पहले भी कभी नहीं कहा था कि 100 करोड़ रुपया आप अपनी जेब से लगा के अस्पताल बनाने चाहते थे, ठीक है,
लेकिन सहयोग तो सबका ही था ना, तो वो ही सहयोग, वो आपने 1,000 रुपए की राशि कह दी, मैंने 11 की कह दी, और मैंने मैं अब फिर प्रभु से पुनः 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 प्रार्थना करता हूं कि आपको वो विचार पूरा सदृढ़ता से दे। और आपको मैंने यही बात उस दिन कीर्तन ने कही थी 1 अक्टूबर को, जो मैंने 7 सितंबर के मेरे लाइव में भी कहा था कि कोई बात नहीं, वे लोग आपका साथ नहीं दे पाए। गुरु गोविंद सिंह और पांच प्यारों का उदाहरण भी दिया था, ठीक है, पांच प्यारे गुरु गोविंद सिंह के, ठीक है, वो आज भी अमर हैं, आज भी अमर हैं। और मैंने यही बात 7 सितंबर के उसमें कहा था, और 1 अक्टूबर के अपने आपके हमारे जब कीर्तन में थे आप और हम दोनों, उस टाइम भी मैंने कहा था कि पांच प्यारे, ठीक है, पांच प्यारे आज ढूंढ लो, मिल जाएंगे। प्रभु के तो वाल और वर्ल्ड करोड़ों चाहने वाले हैं, उसके नाम से आपने तो 1,000 का लाखों रुपए देने वाले हैं। अब वो आपको जिन्होंने आपने जिनका चयन किया था, उन 25 आदमी का उनकी कहानी तो आप ही बता सकते हैं ना पब्लिक को, मैं तो नहीं बता सकता ना, ठीक है। मैं तो जब बताऊंगा विस्तार से जितना मेरे को आपने बताया था, मैं तो सिर्फ उतना ही बताऊंगा। और अगर आपको कहीं ये लगता है कि मैंने कहा था कि आप हॉस्पिटल बनाओगे, तो चलो इस बात पे भी मैं क्षमा मांग लेता हूं सार्वजनिक रूप से आज सबके सामने, लेकिन चाह तो आपने था ना, सारी कोशिश तो आपने की थी ना, सारा देश तो आपके नाम से कह रहा था ना दुनिया में कि सहयोग दो संजय मित्तल जी को। अगर मैंने कह भी दिया, मैं तो पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बोल चुका हूं कि अगर मैंने कह भी दिया तो क्या गुनाह कर दिया कि आप बनाना चाहते थे। अगर आज मेरे शहर में ही लगा लो 10 लोग 20 लोग 30 लोग ये चर्चा कर दे कि पवन जलान खाटू श्याम जी में धर्मशाला बनाना चाहता है या बनाना बनाने वाला है या जो भी है, तो मेरा कोई विचार नहीं है, कोई और नहीं है, तो मैं यही तो कहूंगा ना उनसे या फेसबुक पे सार्वजनिक रूप से आके, भाई मेरा कोई विचार नहीं, ना मेरी गुंजाइश है, ना मेरे पास जैसा पैसा है, ना मैंने किसी से कहा कि आप सहयोग दो, जबकि आपने तो सहयोग वगैरह 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 काफी कुछ प्रयास किया था ना। और जैसे कि एक दिन मेरे पास कानपुर से फोन आया था, मैंने पिछले अपने शायद एक लाइव में जिक्र भी किया है उनका, कि उन्होंने कहा कि इसमें पवन जलान का क्या फायदा होता हमारे, बोला कानपुर में ये चर्चा हुई थी, तो पवन जलान का तो कोई फायदा नहीं था, पवन जलान का तो कोई नाम नहीं था, ठीक है। और आपने कहा था ना कि हमारी जिंदगी में जाको, हम क्यों जाके आपकी जिंदगी में, मैंने कभी आपके पर्सनल कोई कमेंट किया है, कभी किया है तो बताइए, या नंदू जी के बारे में कभी कोई पर्सनल कमेंट किया हो, है जी, कभी किया हो तो बोलिए, बनवारी जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कभी कुछ बोला हो तो बोलिए। अब नंदू जी का बहाना लेके श्याम अग्रवाल और कुछ लोग काफी भड़क रहे हैं, तो उनके लिए चलो आज कहते हैं मौका भी है और दस्तूर भी है, मैं एक सच्चाई बता देता हूं आज आपको, जितने भी नंदू जी के चाहने वाले हैं, शायद मेरे अब बात ध्यान में आ गई तो मैं कहना उचित समझता हूं, ठीक है, तो पूछ लेना नंदू जी से कि क्या पवन जलान ने ये जो बात कही है जो मैं अब कहने जा रहा हूं, क्या वो झूठ कही है। सुनो भक्तों, अब क्या हुआ था, आज से करीब शायद 30 साल पहले की बात है, हमारे भिवानी में एक श्याम प्रभु का मंडल है, खाटू मंडल बोलते हैं उसको, और उस टाइम उसके प्रधान थे सीताराम जी गोयल, ठीक है, और उन सीताराम जी गोयल जी ने, प्रधान ने कह लो मंडल ने कह लो, मंडल के सदस्य ने कह लो, अब मंडल के प्रधान सीताराम जी गोयल चक्की वाले के नाम से जिनको भिवानी शहर जानता है, तो नाम तो प्रधान का ही होगा ना, वैसे कहते हैं लड़े फौज नाम सरदार का, तो उन्होंने मंडल वालों ने कह लो सीताराम जी ने कह लो उनको आमंत्रित किया था एक कीर्तन में, करीब 30 साल पहले, पुरानी बात है, ठीक है, उस टाइम ना तो इतनी सुविधाएं होती थी 30 साल पहले, ना एसी कमरे होते थे धर्मशालाओं में या होटलों में, ना होटल होते थे इतने, यहाँ और है, तो जहां तक मैंने सुना था सीताराम जी से, तो हमारे भिवानी शहर में बिचला बाजार के अंदर किरोड़ी मंदिर है, और शायद उसके सामने ही एक छाजोराम जी की धर्मशाला, उसमें शायद उनके नंदू जी के और उनके जो साथी आए थे उनके ठहरने की व्यवस्था की हुई थी, ठीक है। तो जैसे
कीर्तन के दिन है मंडल वाले भंडारे का भी आयोजन करते हैं है, और है तो वो भंडारे का आयोजन भी था। और तो कुछ जैसे समय के बाद जैसे सीताराम जी वगैरह वगैरह ने उनसे नंदू जी से पूछा कि नंदू जी खाने में क्या लेंगे भोजन में, तो उन्होंने कहा कि जो प्रसाद बना हुआ है वो ही लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए हमें। हमें इंदा सेन नंदू जी या उनके साथ जो भी व्यक्ति थे, एक दो चार पांच दस मेरे को नहीं पता कितने थे, तो नंदू जी ने कहा कि प्रधान जी या सीताराम जी या गोयल जी जो भी हैं, बोले जो प्रसाद बना हुआ है, प्रसाद मतलब भंडारे का जो है, बोले वो ही लेंगे, वही मतलब लेंगे। ठीक है, तो सीताराम जी कह लो उन्होंने दो चार बच्चों की ड्यूटी लगा दी कि चलो भाई नंदू जी को भोजन करवाओ। तो वे बच्चे अपना वो प्रसाद मान लो वो लेके वहाँ पहुँचे, तो प्रसाद में नॉर्मल आप लोग देखते होंगे हर जगह करीब करीब 90% नहीं तो 70% लगा लो हैं आलू की सब्जी हैं पूरी बूंदी दाना नॉर्मल इतना ही रहता है, या ज़्यादा से ज़्यादा कहीं कहीं रायता भी बन जाता होगा। तो वो प्रसाद लेके वहाँ गए नंदू जी वगैरह और उनके साथियों ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रहण नहीं किया, ग्रहण किया। ठीक है, तो उस बात के बाद करीब साल डेढ़ साल के बाद फिर सीताराम जी और उनके कुछ साथी खाटू जी एकादशी को गए, और जहाँ तक मेरी जानकारी है नंदू जी सखा भवन नाम की कोई शायद धर्मशाला है उसमें ठहरते हैं, सखा बंधु हो सकता है या सखा जो भी है, तो नंदू जी उसमें ठहरते हैं उसी में कीर्तन करते हैं। तो वो सीताराम जी वगैरह उस धर्मशाला में नंदू जी से मिलने गए क्योंकि उनका कीर्तन आने वाला था, तो कीर्तन के लिए उनको बुक करने कह लो आमंत्रित कह लो जो भी है, तो गए तो वहाँ पहले से ही 5, 10, 15, 20 जो भी हैं लोग बैठे हुए थे नंदू जी के, और 2, 4, 5 ये सीताराम जी गोयल वगैरह भी वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि जैसे बातचीत शुरू हुई या उनको देखते ही जो भी है नंदू जी ने वहाँ जो पहले के बैठे हुए थे लोग उनको संबोधित करते हुए पता है क्या कहा? पता है, मैं बता रहा हूँ वे शब्द जो नंदू जी ने सीताराम जी को कहे थे। ठीक है, नंदू जी बोले उन बैठे हुए लोगों को कि देखो ये है भिवानी वाले हैं, इन्होंने मेरे को कीर्तन में बुला के बासी सब्जी पूरी खिलाई, बासी सब्जी पूरी खिलाई। अगर नंदू जी आपको वो नहीं खाना था तो पहले कह देते ना कि मेरे को दाल रोटी चाहिए भाई और गरम दे देना उस टाइम, और ये दे देना सलाद भी दे देना, ये दे कह देना चाहिए था ना। सरदे श्री नंद किशोर जी शर्मा नंदू जी, क्या पवन जलान ये बात गलत कह रहा है? क्या आपने वहां उपस्थित 10, 15, 20 जो भी हैं उन लोगों के बीच में सीताराम जी को नहीं कहा कि ये भिवानी वाले हैं जिन्होंने मेरे को बासी पूरी और सब्जी खिलाई? क्या आपने उस समय सीताराम जी और उनके साथियों का सम्मान किया था ये कहके या अपमान किया था? उसके बाद पता क्या हुआ, सीताराम जी वहां उठ के चल दिए नंद किशोर जी को यह कहके कि तुझे जिंदगी में कभी भिवानी नहीं बुलाऊंगा अपने कीर्तन में। और जितने दिन सीताराम गोयल चक्की वाले खाटू मंडल के प्रधान हुए, अगर नंद किशोर शर्मा जी आपको बुलाया हो तो आप बता दो। ठीक है, अब यहां मैं एक मिनट की बात और जोड़ देता हूं। अर्पण मंडल का कुछ साल पहले कीर्तन था, शायद कोरोना काल से पहले की बात है, उस दिन नंद किशोर शर्मा जी नंदू जी भिवानी अर्पण मंडल के प्रोग्राम में आए हुए थे, और दिल्ली के श्याम प्रेमी ओम शेरावत जी भी वहाँ आए हुए थे। ठीक है, और हजारों लोग तो थे ही। तो उस टाइम कीर्तन के दौरान नंदू जी ने
कीर्तन के दौरान, भजन गाते गाते मतलब कीर्तन के दौरान कहा कि भक्तों यहां भिवानी में सीताराम जी गोयल होते थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो कहा शायद भाई मैं उनसे से मिलना चाहता हूं या और है जो है, मतलब अब एक एक शब्द तो मेरे ध्यान नहीं है। तो 10-15 मिनट के बाद सीताराम जी गोयल वहां आए और जैसे मैंने 1 अक्टूबर को श्रद्धेय श्री संजय मित्तल जी को माला पहनाई, वैसे ही उन्होंने भी नंदू जी को माला पहनाई, उनका सम्मान किया। अगर मेरी इस दो बात में नंदू जी से संबंधित जो बात है, 3 बात कि प्रसाद ग्रहण कर लूंगा, प्रसाद ग्रहण किया, दूसरी इन भिवानी वालों ने मेरे को बासी रोटी और बासी पूरी और सब्जी खिलाई, 2, तीसरा सीताराम जी ने उनका सम्मान किया। अब भिवानी शहर में आए हैं नंदकिशोर नंदू जी और उन्होंने सीताराम जी को याद किया, तो सीताराम जी अपने पुराने गिले शिकवे भूल कर गए और उनका सम्मान किया, तो क्या उन्होंने कोई गलत काम कर दिया? क्या कोई गलत काम कर दिया है जी? अगर मेरे द्वारा नंदू जी को नंदू जी ने कहके सिर्फ नंदू कह दिया, तो वो आप लोगों की नजर में अगर एक बहुत बड़ा गुनाह है, तो उस गुनाह के लिए तो मैंने माफी मांग ली ना। तो क्या कभी आप नंदू जी से ये सवाल करेंगे? क्या नंदू जी मेरी तरह उस बात को स्वीकार करेंगे? मैं नहीं कहता कि आप माफी मांगिए, सिर्फ इतना ही, क्या आप स्वीकार करेंगे? क्या उस समय जो 10-15-20-25 लोग उस दिन नंदू जी के साथ मौजूद थे, क्या वो ये कहने की हिम्मत करेंगे कि हां नंदू जी ने ऐसी बात बोली थी? आज इतना ही बहुत है, ठीक है। और मैं नंदू जी, बनवारी जी, संजय मित्तल जी के जीवन में जो भी नेक काम करने की उनकी चाहत है, और श्याम अग्रवाल जी की भी और संजू शर्मा जी की भी और मोहित जी की भी, जिनके वजनों की मैंने समीक्षा की, हर्ष जी की भी, बिन्नू जी की भी, हैं सभी के दिल में जो भी कोई मंगल कार्य करने की इच्छा है, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी के मंगल कार्यों को सफल बनाने का आशीर्वाद रखे इन पर, और इनको बहुत बहुत लंबी उम्र दे, जीवन भर इनको स्वस्थ रखे, इनके घर में खुशहाली हो, और जो कुछ भी परमात्मा अपने भक्तों के लिए कर सकते हैं वो सब कुछ इन लोगों के लिए करें। और प्रभु से मैं ये भी प्रार्थना करूंगा, मैंने एक अपने लाइव में कहा था कि प्रभु दानी और दयालु ही नहीं, न्यायकारी भी है, और प्रभु अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मेरे उस गुनाह की आप जो भी सजा देना चाहें मुझे कबूल कर। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद हैं, आप जुड़े हैं, अच्छा लगा हो तो मेरे इस लाइव को जरूर शेयर करें, और मैंने जो नंदू जी के विषय में बात कही है एक बार पूछ तो लीजिएगा, सिर्फ बाबा बाबा नहीं, कभी गलती से गुस्से में नंदू जी ने अगर ये बात कही तो पूछ तो लीजिएगा कि जैसे संजय मित्तल जी मेरे बारे में काफी कुछ कह गए, वैसे ही हो सकता है कि सीताराम जी की शक्ल देख के उनको गुस्सा आ गया तो कही या नहीं, बस सिर्फ इतना ही है। और नंदू जी, बनवारी जी और जितने भी जिनको मैं सम्मानजनक रूप से संबोधित नहीं कर पाया, जिनको आजकल इश्यू बना रखा है 2-3 दिन से, उन सभी से पुनः 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 क्षमा प्रार्थी, उन सभी का गुनहगार और क्षमा चाहता हूँ। आगे से आप सभी को श्री श्री कहकर संबोधित करने की कोशिश करूंगा। और विनोद शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक लाइव हैं, इनका भी मैं विशेष धन्यवाद करूंगा। और विनोद जी, आत्मा से कहता हूँ मेरे को मेरे दिल में 1% भी आपके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ, मैंने एक रिक्वेस्ट जरूर परसों की थी मोतीलाल जी शर्मा जी के बारे में, और उनसे भी डायरेक्ट कि कम से कम इतने जो बुजुर्ग सीनियर श्याम प्रभु के भक्त हैं और हैं, उन भी कम से कम थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा संयम रखें। और मैं आज फिर प्रार्थना करता हूँ सभी सीनियर
श्याम भक्तों से कम कोई ऐसा अभद्र भाषा में कमेंट तो मत कीजिए, मैंने मेरी कोई बात गलत लगती है तो टू द पॉइंट कह दीजिए, कोई मैं 1% भी वो नहीं है, है? और लाइव आना कोई गुनाह नहीं है। कुछ कह देते हैं कि लाइव संजय मित्तल जी आए हैं ना, 4 लाइव, 3 लाइव का तो मैंने परसों जिक्र किया था, 1 लाइव की वीडियो आज मैंने मैंने वो शेयर की है। तो लेकिन संजय जी में, मित्तल जी में और मेरे में अंतर है थोड़ा, वो भड़क के बात करते हैं, ठीक है, और मैं शांति से कहता हूँ, जो बात कहता हूँ शांति से कहने की कोशिश करता हूँ। और यही कोशिश परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि मेरी ये कोशिश बरकरार रखें, कभी भी मैं भड़क के बात न करूँ। धन्यवाद आप सभी का, बहुत 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 भगवान आप सबको भी खुशहाल रखें और आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे सदा। धन्यवाद।